है जिसको इंग्लिश में बैकेक भी बोलते हैं, उसकी ओरिजिन क्या है और उसके मेन रीजन क्या है, किस वजह से होता है, उसका कारण क्या है, और घरेलू इलाज क्या है, और फाइनली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, जो बैकेक है वो मल्टी डायमेंशनल है, उसकी ओरिजिन कोई एक सर्टेन नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, बैक पेन कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द मसल्स, नर्व, बोन, ज्वाइंट्स और अदर स्ट्रक्चर इन द स्पाइन, इंटरनल स्ट्रक्चर सच एज गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, एओर्टा, किडनी में आल्सो काज रिफर्ड पेन इन द बैक। तो देखिए, जो बैकेक है उसका रीजन क्या हो सकता है, जो बैक की जो मसल्स हैं उसमें हो सकता है, या नर्व्स हो सकती हैं, बोन ज्वाइंट्स हो सकता है, स्पाइनल कार्ड के ज्वाइंट्स हो सकती हैं, या फिर रिफर्ड पेन हो जाता है, गॉल ब्लैडर का, पैंक्रियास का, किडनी का रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन होता क्या है, रिफर्ड पेन ऐसा पेन होता है कि जिसकी ओरिजिन कहीं और पर है और फीलिंग कहीं और हो रही है, तो उस टाइप के पेन को क्या बोलते हैं आप, रिफर्ड पेन। तो देखिए, बैक में पेन होने का रीजन ओरिजिन गॉल ब्लैडर भी हो सकता है, पैंक्रियास भी हो सकता है, तो आप किसी एक पर कंसंट्रेट नहीं हो सकते कि बैक एक का जो रीजन है वो स्पाइनल कार्ड है या फिर बैक की मसल्स हैं या नर्व हैं या ज्वाइंट्स हैं। तो अब हम लोग पूरे कारण देख लेते हैं कि किस वजह से है, क्या कारण है बैकेक के उत्पन्न होने का। तो देखिए, बैकेक उत्पन्न होने का रीजन हो सकता है सर्वाइकल रीजन हो सकता है, थोरेसिक रीजन हो सकता है, लंबर रीजन हो सकता है, और सेक्रल रीजन हो सकता है। तो यहाँ के जो मसल्स हैं उसमें पेन हो सकता है, या यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं उसमें भी पेन हो सकता है। तो देखिए, कारण क्या है बैकेक होने के। तो पहला कारण है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो पेल्विस है उसमें कई और आर्गन पाए जाते हैं, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं, या हर्निएटेड डिस्क, यानी कहीं पे भी जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसको रीढ़ की हड्डी आप बोलते हैं, उसमें से हार्निया बन जाती हो वहाँ पे। तो जहाँ पे हार्निया बन जाएगी वहाँ से जो नर्व निकल रही होगी वहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाएगा। हार्निया बनने के रीजन क्या है कि उस पार्टिकुलर ज्वाइंट वाले प्लेस पर कैल्शियम की कमी है, उस वजह से उसके अंदर की जो सेल्स हैं वो बल्जिंग हो जाती, बाहर निकल आती हैं। और तीसरा रीजन क्या है, स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी जो स्पाइनल कार्ड है उसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाए, सकरा हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल स्टेनोसिस ना। और चौथा कारण क्या हो सकता है, सियाटिका हो सकता है या फिर किडनी स्टोन हो सकता है। और पांचवा क्या है, प्री मेनस्ट्रुअल सिंड्रोम, लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले जो पेन होने लगता है तो उसका वो हो सकता है रीजन। एक छठा रीजन है एंडोमेट्रियोसिस ना, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। और सातवां क्या हो जा सकता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से भी बैक में पेन होता है। और आठवां रीजन है सर्वाइकल डिस्प्लेसिया ना, जो सर्वाइकल वर्टिब्री है अपनी प्लेस पर नहीं हो, डिस्प्लेस हो गई हो, स्प्रेन और स्ट्रेन ना, कहीं पे मोच आ गया हो उस वजह से हो सकता है। और क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस, जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा है उनको प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह से भी रिफर्ड पेन हो सकता है बैक में, और प्रोलेप्सस हो सकता है, और मिसकैरियज, ये सब कारण हैं। तो देखिए, क्या करें कि कमर दर्द में आराम मिल सके ना, और क्या नहीं करना है ना। तो पहला क्या है, इसमें पीठ में वैसे ही दर्द हो रहा हो या स्लिप डिस्क, तो कभी भी भारी वजन ना उठाएं, यानी अगर पीठ में दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है या स्लिप डिस्क है तो कभी भी भारी वजन ना उठाएं, लंबे समय तक कमर झुकाकर कुर्सी पर ना बैठें, और जब भी कुर्सी पर बैठें तब अपने पैर सीधे रखें व कमर भी सीधी रखने का प्रयास करें, उस स्थिति में बैठें जिस स्थिति में दर्द ना करे ना। और तीसरा, बिना हिले डुले एक ही जगह घंटों ना बैठें, अगर काम कर रहे हो तो भी 5 से 10 मिनट का अंतराल लें और कुछ देर के लिए टहल लें। तो इससे क्या होगा कि किसी एक पोस्चर में रहने से किसी एक पर्टिकुलर ज्वाइंट्स को, मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो एनर्जी कम बनेगी और उस रीजन में दर्द स्टार्ट हो सकता है।
और चौथा क्या कर सकते हैं, बर्फ से सिकाई करने पर सूजन में कमी आने लगती है, इसलिए दर्द वाले स्थान पर बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। ध्यान रहे कि सिकाई करने से पूर्व बर्फ को कपड़े में जरूर लपेट लें, यानी बर्फ को एक कपड़े में लपेट लें, फिर जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे सिकाई करें, ना। और पांचवा, मोटापा बढ़ने का बुरा असर भी पीठ पर पड़ता है, अगर मोटापा है तो उसको कम करने का प्रयास करें। पेट की चर्बी बढ़ जाने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव आने लगता है और उस वजह से नर्व में पेन होने लगता है और कमर दर्द करने लगती है। तो अब देखिए घरेलू इलाज क्या है कमर दर्द का। भोजन में ऐसी चीज़ें अधिक खाएं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा हो, इससे हड्डियाँ मजबूत होंगी। रोजाना 2 गिलास दूध पिएं, 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को, और कुछ देर सुबह धूप में रहें तो इससे विटामिन डी मिल जाएगी शरीर को जितनी ज़रूरत होगी। और दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, नारियल या सरसों के तेल में लहसुन की 3 से 4 कलियां डालें और गर्म करें, ठंडा होने पर इस तेल से कमर की मालिश करें। और तीसरा, एक तौलिया नमक वाले गर्म पानी में भिगो कर निचोड़ लें, अब पेट के बल लेट जाएं और तौलिये से दर्द वाली जगह पर भाप देने से कमर के दर्द में राहत मिलती है। तो इस तरह से। और चौथा उपाय क्या है कि 2 से 3 चम्मच नमक एक कढ़ाई में डालकर गरम कर लें। अब एक मोटा सूती कपड़ा लें और उसमें एक नमक डालकर पोटली बना लें, फिर इससे सिकाई करें। और पांचवा क्या है, 1 कप सेंधा नमक 1 बाल्टी गर्म पानी में डालें और घोल लें। अब पानी हल्का ठंडा होने पर इससे नहाएं। इस घरेलू उपाय से कमर की जकड़न और दर्द से निजात मिलेगी। तो देखिए कुछ घरेलू उपाय करिए, 1 से 2 घरेलू उपाय करिए, और फाइनली होम्योपैथिक दवा देखिए बहुत अच्छी दवा है, आप इससे आपका कमर दर्द निश्चित ठीक हो जाएगा। पहली दवा है मेड्राइनम वनियम, हर रविवार को 4 गोली सुबह 1 बार लेना है। तो देखिए जो मेड्राइनम है वनियम, हर रविवार को सुबह 4 गोली लेना है, केवल रविवार को, बाकी जो 6 दिन और बच रहे हैं उसमें, बाकी बचे दिनों में रस्टाक्स 30 डेली सुबह 4 गोली लीजिए, रूटा 30 डेली दोपहर 4 गोली लीजिए, और लिडम पाल 200 डेली शाम को 4 गोली लीजिए। तो रविवार को केवल मेड्राइनम वनियम लीजिए, बस रविवार को, बाकी बचे 6 दिनों में रस्टाक्स, रूटा और लिडम पाल लीजिए, तो आपका कमर दर्द निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप 1-2 घरेलू उपाय करें और इस होम्योपैथी को दवा खाएं तो आपके कमर दर्द से निजात मिल सकती है। और ये आपको जानकारी दूसरों को भी बताएं ताकि उनको भी हेल्थ संबंधी इश्यू में आसानी हो सके। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।